मथुरा से बड़ी खबर है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। अयोध्या में राम भक्त कार सेवक हार गए हैं। साक्षी महाराज ने कहा, जिन्होंने सरयू में खून बहाया उनकी जीत हुई है। अयोध्या में विकास नहीं जातिवाद ने चुनाव जीता है। मथुरा में जल्द ही श्री कृष्ण का भव्य मंदिर भी बनेगा। तो ये बड़ी जानकारी बता दें कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम भक्त कार सेवक हार गए हैं, जिन्होंने सरयू में खून बहाया उनकी जीत हो गई है। अयोध्या में विकास नहीं बल्कि जातिवाद ने चुनाव जीता है। मथुरा में जल्द ही श्री कृष्ण का अब भव्य मंदिर बनाया जाएगा। तो मोदी जी ने पूरी ईमानदारी से काम किया, पर जनता के अंदर अब भी जातीयता की दुर्भावना भरी हुई है। वो राष्ट्र को नहीं देखते, राम को नहीं देखते, जातीयता के चंगुल में फंसे हुए हैं। उसी का दुष्परिणाम हुआ वो अयोध्या जो कभी खून से सनी होती थी। इन हाथों ने अयोध्या में राम भक्तों की लाशों को उठाया, सरयू से निकाला, कोठारी बंधु की लाशों को उठाकर चक्का मंदिर हम लेकर के आए। तो वो नरसंहार हमने अयोध्या का देखा। उसी अयोध्या को योगी ने, मोदी ने सजाने का काम किया, चाहे सरयू का किनारा हो, चाहे अयोध्या धाम बना करके एयरपोर्ट बनाना हो, चाहे स्टेशन को अयोध्या धाम बनाना हो, या विश्व का सबसे सुंदरतम विशाल रामलला का मंदिर बनाना हो। इतना बड़ा काम करने के बाद भी वहां से सपा का सांसद जीता है, चिंता का विषय है समाज के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी, और हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों के लिए भी। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का